अक्सर ही सिखां दे खिलाफ बोलन वाली हिंदू जथेबंदी शिवसेना वालों एक बार फिर तो विवादित बयान दिता गया है। अमृतसर च शिवसेना पंजाब दे आगुआं दी हुई मीटिंग दे दौरान शिवसेना आगुआं ने मांग की है कि पंजाब च अगला मुख्यमंत्री हिंदू होना चाहिए है। शिवसेना आगुआं दे मुताबिक पंजाब च 40% गिनती हिंदुआं दी है, पर इसके बावजूद पंजाबी सूबा बनने के बाद अज तक किसी भी हिंदू नूं मुख्यमंत्री का अहुदा नहीं दिता गया है। शिवसेना आगुआं ने इस मौके ऐलान किया है कि जेकर इस बार किसी भी पार्टी वालों किसी हिंदू नूं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना बनाया गया तो शिवसेना वालों उन्हां दा विरोध किया जाएगा। काफ़ी समय तो एक हिंदू समाज के एक सवाल उठता पाया सीगा भी जो का देश आजाद होया जो का पंजाब नूं पंजाबी सूबा घोषित किया गया उदों का पंजाब दे विच कोई हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनिया। शिवसेना पंजाब ने लोगों की भावना समझिया, हिंदू समाज की भावना समझिया, तो उस मुद्दे नूं असी चक्किया भी पंजाब दे विच हिंदुआं की आवाज चक्कण दे लई हिंदू मुद्दे को हल कराने लिए सबना बड़ा जरूरी काम एको एक है भी पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू समाज के विचों व्यक्ति होना चाहिए है। असी उस संघर्ष में जो का शुरू किया अलग अलग हिंदू संगठन ने उस पसंद किया तो शिवसेना पंजाब के नाल हाथ ना हाथ मिलाने का संकल्प लिता, जिन्हों देख दो या शिवसेना राष्ट्रवादी ला लो, शिवसेना शेरे हिंद पंजाब ला लो, इन्होंने शिवसेना पंजाब विच विलय करने की घोषणा की। असी इन्हों का स्वागत करते हैं। असी एक बड़ा वड्डा सवाल कर रहे हैं अकाली बीजेपी कांग्रेस नूं भी क्या इन्हां कोल कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति चेहरा नहीं है जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री बन सके। असी डिमांड कर रहे हैं शिवसेना पंजाब वालों हिंदू समाज वालों भी अकाली भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी अगले जिहड़े 2017 के चुनाव होने जा रहे हैं उहदे विच अपना किसी हिंदू व्यक्ति नूं हिंदू मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, नहीं तो शिवसेना पंजाब हिंदू समाज नूं ना लैके इन्हां दे दफ्तरां दे अग्गे इन्हां दे जिथे भी इन्हां दे कैंप लगे होणगे उत्थे असीं धरने देंगे इस डिमांड नूं लैके। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टूडे।